गाइस अभी हो रहे मॉर्निंग के 4:30। तो ग्राउंड पे जाने से पहले हम पी रहे हैं ग्रीन टी। तो ये देखो, तो ये ग्रीन टी पी रहे हैं और फटाफट आपको ग्राउंड पे जाके अभी मिलता हूँ मैं सीधा। गाइस हम आ गए हैं ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड कुछ हमारे गांव के बाहर है, मतलब गांव के थोड़ा बाहर। हम पैदल चल के यहाँ पे आते हैं, मतलब हमारा कार्डियो भी हो जाता है। तो हाय गाइस, आई एम ओम जादव फ्रॉम ऑसम चैनल डीडीआर ओम जादव। गाइस आपको बॉडी बनानी है, हाइट बढ़ानी है और फैट लूज करना है तो आपको रनिंग करना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। मतलब रनिंग करने से आपको फैट लूज हो सकता है, जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। तो गाइज ये ग्राउंड है कुछ 500 मीटर का, मतलब आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। तो मैं दो राउंड मारता है भाई, तो मतलब 500 मीटर के 1000 हो जाता है, 1000 मीटर मेरा डेली। गाइज हम यहाँ पर आ गए थे सुबह 4:30, लेकिन अब जितने भी बजे उठते हो, मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अब जब भी उठो ना भाई, तो तुरंत मतलब फ्रेश अप होके आप रनिंग के लिए चले जाना। आपके घर के आसपास जो ग्राउंड होगा ना, तो उधर चले जाना भाई। आर यू एक्साइटेड? एकदम जोरात भाऊ। तो गाइज इसका सीन कुछ ऐसा है, मतलब बच्चे, मतलब लौंडे, देसी लौंडे तो सुबह सुबह 4 बजे आते हैं, रनिंग करते हैं, मतलब जब रोशनी भी नहीं होती तब रनिंग कर देते हैं बच्चे। मतलब हमारे भी वर्कआउट हो चुका है और रनिंग हो चुकी है, मतलब ये आपको ही करना चाहिए, हमारे फिटनेस के लिए अच्छा रहता है भाई। तो आप सोच सकते क्या बोलते रे? रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोगों को। आप रनिंग करोगे ना तो 45 मिनट्स की रनिंग होनी ही चाहिए, मतलब आप टप्पे टप्पे में भी कर सकते हैं, यानी 500 मीटर की, मतलब 800 मीटर की फिर आपकी रनिंग होनी ही चाहिए भाई। तो ये आपका मतलब अंदर से भी आपको फीलिंग अच्छी आएगी। तो गाइज अभी चलते हैं घर पे, और घर पे जाके आपको प्रोटीन शेक, मतलब देसी प्रोटीन शेक करने वाले हैं हम। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे, मतलब चलते करते। तो गाइस हम सुबह आते ही मतलब वार्म अप कर दिया था, तो आपको ऐसा दिखाया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा देते। और हाँ बस, गाइज हम आ गए अब ग्राउंड से घर पे। तो अभी करते हैं प्रोटीन शेक। तो आपको उसके लिए ये चीज़ें लगने वाली है, तो ये देखो ये सारी चीज़ें लगने वाली है। ये चीज़ें भाइयों आपको आसानी से आपकी किचन में मिल जाएगी। तो भाइयों आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब केले, पिसा हुए आलमंड, मतलब क्या बोलते हैं, काजू और बादाम, ये मिक्सर, और ये ओट्स है, किकर ओट्स है, बोर्नाविटा, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइज मेरा ये मानना है कि सुबह के टाइम पे हमें हेवी मील लेनी चाहिए। हेवी मील इसलिए क्योंकि हम रात भर भूखे रहते हैं, तो सुबह के टाइम में हेवी मील लेने से अपनी दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। देसी शेक में आपको ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ आधा ग्लास दूध। तो ये आधा ग्लास दूध डाल देंगे हम, उसके बाद डालेंगे ओट्स। ये ओट्स आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना लगा उतना आप ओट्स डाल सकते हैं। तो गाइस मेरे पास ये छोटे छोटे केले, आप 2 केले डाल सकते हैं, ये छोटे, इसकी साइज छोटी इसलिए मैं 3 डाल रहा। तो गाइस अभी डालते हैं बनाना, देखो आप छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं।
बनाना डाल देते हैं और ब्लू कॉन्डी भी डाल देते हैं, घर पे पड़ी हुई थी तो ये भी डाल देते हैं। ये देखो गाइस कुछ इस तरह दिख रहा है बोर्नाविटा थोड़ा बहुत, और लास्ट में हनी। आप लास्ट में एक चम्मच शहद डाल सकते हैं, नहीं तो शक्कर भी डाल सकते हैं। गाइस अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो इसमें मिक्सर में मिक्स करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि बोर्नाविटा हो या एक हो या ओट्स हो। ये ओट्स वैसे अच्छे हैं, मतलब 72 रुपीज़ के इतना सा पैकेट है, अच्छा है ओट्स, क्योंकि ओट्स में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स रहते तो अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता। तो ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाती, तो आपको बाहर से कुछ सामान लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ केले दूध। तो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट मील, जो बनाना शेक, जिसका मैंने नाम रखा है देसी प्रोटीन शेक। तो चिल मारते अभी, लेट्स बी एंजॉय। तो गाइस अभी हो रहा है टाइम 9 और हम कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या है, आलू की चटनी और डोसा। तो आपके घर में जो भी बनता होगा भाई, पोहा हो गया, उपमा हो गया, फलाना फलाना, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच के टाइम तक अपने पास एनर्जी रहती है। और जिन लोगों के घर पे ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, तो भाई तुम मतलब गुड़ और पीनट्स रहते ना शेंगदाने, तो वो मिक्सअप करके खा सकते हैं, मतलब वो तो बहुत ही बढ़िया है भाई नाश्ते में सुबह सुबह। तो उससे क्या होता है, अपने बॉडी की सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होती है और आप हेल्दी फील करते हो। गाइस अभी हो रहे 12:30 और ये हमारा थर्ड मील जो लंच में है वो है, ये देखो, ये दाल और दो रोटी, मतलब ये खाने वाले। दाल खाने से, दाल में कम फैट होता है भाई, और दाल खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होती है, जो आपके शरीर के लिए, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और भाई दाल खाने से आपको आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह सब प्रोटीन मिलता है, मतलब भाई एक कप दाल खाने से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो भाई लंच में ये है, तो लेट्स मी एंजॉय। तो गाइस अभी हो रहे शाम के 5 और वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील मैं ले रहा हूँ, तो उसमें है एग्स, ये देखो ये दो एग्स है। तो आप भी मतलब प्री वर्कआउट से पहले, मतलब अब 6 बजे मेरा वर्कआउट स्टार्ट होगा, तो ये 5 बजे ले रहा हूँ मैं एनर्जी के लिए अपने। तो आप भी मतलब शाम में नहीं तो दोपहर में फ्रूट्स खा सकते हैं, अदरवाइज आप मतलब शाम की चाय पीते होंगे या दूध पीते होंगे, उसमें 2-3 ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हैं, नहीं तो एग्स भी खा सकते हैं। तो गाइस आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, तो ये जो एग्स है, मतलब ये जो आप येल्लो देख रहे हैं, तो ये येल्लो में ज़्यादा फैट होता है। जिसको फैट लूज करना है तो येल्लो नहीं खाइएगा, और जिसको वो वाइट ही खाने का, येल्लो निकल देने का है। और जिसको फैट, मतलब फैट गेन करना है, जो पतला सा है, तो उसको मतलब थोड़ी बहुत बॉडी बनानी है, मतलब थोड़ी बहुत फैट इंक्रीज करना है उसके उसको, तो वो येल्लो कंज्यूम कर सकता है। तो भाइयों इस एग्स पे चाट वगैरह मसाला डाल दिया है, तो अपन ये सारे ये येल्लो निकाल दिए हैं जिसमें ज़्यादा फैट होता है, और ये दो सिर्फ येल्लो के साथ खाएंगे, और ये जो येल्लो है वो ये मम्मी को दे देंगे। तो गाइस आप अगर बॉडी बना रहे हैं, आपको बॉडी सच्ची में बॉडी बनानी है, तो हेल्दी डाइट बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सिर्फ वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन डाइट सही तरीके से नहीं लेते, तो आपको आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगी। तो आपको थोड़ा बहुत डाइट लेना ही चाहिए पूरे रूटीन के हिसाब से, सब आपके घर पर ही मिल जाता है भाई, तो समझ चुके होंगे आप। तो भाइयों अभी बज रहे हैं 6, अभी हमारा हेवी वर्कआउट करने का वक्त हो चुका है। तो मैं वर्कआउट में क्या है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मेरे पास है कुछ ये प्लेट्स,
जो कि ये दो दो किलो के, मतलब एक एक जो प्लेट से ये 2 किलो के, ऐसे 4 प्लेट से, और जो एक एक किलो के जो छोटे छोटे वो एक एक किलो के, मतलब 4 प्लेट से, मतलब एक हाथ में जो वेट होता है वो 6 किलो आ जाता है। और ये जो दो रॉड है इसके लिए एडजस्टेबल डंबल से, इसके लिए वो नट बोल्ट भी दिया है। तो भाइयों ये जो है मैंने 1 साल पहले बुलाया था अमेजोन से 1 साल पहले बुलाया था। तो ये पूरी जिम किट थी, मतलब ये देखो ये डम्बल्स हो गए, ये वो जिम किट में ही ये हैंड ग्लोव्स हो गए, ये स्किपिंग रोप हो गई, और वो बैग पड़ी है। मतलब इतना सारा सामान 1000 रुपये में, मतलब 1100 रुपये में आ गया था। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए ये अच्छा है। मतलब ये जो है इसमें यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें कॉन्ग्रेंट है और रेती है। मतलब ये जो यहाँ से होता है ना, तो यहाँ से वो रेती गिर रही है, कॉन्क्रीट गिर रहा है, क्योंकि 1 साल हो गए यूज़ करके। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही सही है, आप ले सकते हैं। अभी मेरा ऐसा ख्याल है कि अपन स्टील के नहीं तो अच्छे से रबर वाले डंबल्स लेते। तो ये है गाइस मेरे पास कुछ वेट, ये मैं आपको इसको एडजस्टेबल करके दिखा था। जो मेरे भाई डंबल्स ले नहीं सकते तो वो ब्रिक्स का उपयोग भी कर सकते हैं, मतलब ईट का उपयोग भी आप कर सकते हैं जिसके पास डंबल्स नहीं है। ये तो मतलब देसी जुगाड़ और एकदम सही है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको डंबल्स से आपकी बॉडी बन सकती है, आपके पास ईट भी होंगी तो चलेगा, सिर्फ कुछ वेट होना हाथ में। तो गाइस ऊपर टेरेस पे बहुत सारी ईट पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर जाने में कंटाला आ रहा, मतलब आपको ऊपर ही जाके वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज दिखा था, लेकिन आज आलस आ रहा, बहुत आलसी है भाई हम। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट करते। तो भाइयों मेरे वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है, तो अभी अपन करते हैं स्किपिंग।
मेरा सारा वर्कआउट हो चुका है एब्स का भी और शोल्डर का भी। दोस्तों मेरा वर्कआउट हो चुका है, अब तो अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मतलब शोल्डर पे, चेस्ट पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप पे, लेग्स पे या एब्स पे आपको वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइज अभी अपन ने स्टार्ट किया था वर्कआउट 6 बजे, अभी बज रहे 8, मतलब एब्स का और पूरा शोल्डर का मुझे 2 घंटे लगते हैं वर्कआउट होने में पूरा टोटल और एक्यूरेट। और तो भाई इसके बाद का सीन है, अब डिनर करना है, तो डिनर में कुछ मतलब मम्मी को भाकरी करने के लिए बोला था मैंने। तो गाइज आपको बता देता, तो आपको मतलब सुबह नहीं तो शाम में आपको दिन में एक टाइम भाकरी खानी ही चाहिए, मतलब जो पीछे मतलब हमारे ज़माने में नहीं, मतलब हम पूर्वजों के ज़माने में वो भाकर खाते थे, कितने टनक दिखते थे, और आज के ज़माने में आप खुद को देख लो आईने में। भाई वर्कआउट हर किसी को करना चाहिए, जो बूढ़ा हो या जवान हो या हमारे जैसा टीनेज का बच्चा हो, तो वर्कआउट बहुत ही जरूरी है, फिटनेस भी रहती है, और इस सिचुएशन में तो वर्कआउट आप कीजिए। Hey you guys, listen to me, baby. तो भाई आप अगर ऐसी मतलब आपकी डेली रूटीन रखेंगे तो 21 दिन में आपको आपके बॉडी में फर्क दिखेगा। मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है भाई इस चीज़ का, इसलिए आपको बता रहा हूँ, फुल गारंटेड, आई गारंटी, मतलब मैं गारंटी लेता हूँ 100% की आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ठोको वो लाल जो बटन है उसको दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस, लव फ्रॉम आस्टा, लव फ्रॉम बुल्ढाणा।